आदाब, आप सभी का स्वागत करता हूँ न्याय तक में। दोस्तों आज आप देख रहे हैं, हम पटना आए हुए हैं और पटना के ये एजुकेशनल सर्किल लक्ष्य भेदी हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम इससे पहले वीडियो डाले, देखिए उसमें जो किस तरह से यहाँ का इंट्रोडक्शन दिए। और ये कोचिंग जो है 2018 में सितंबर में ही ओपनिंग हुआ। ये 5 से 10 तक का यहाँ पे कोचिंग चल रहा था, उसमें और फैसिलिटी लाया गया, उसको और बढ़ाया गया, जेंडर कंपटीशन को जोड़ा गया इसमें। तो अभी हमारे साथ जो इंग्लिश का फैकल्टी हैं, जो इंग्लिश पढ़ाएंगे इस कोचिंग में, उन सर से हम थोड़ा बात करते हैं कि कैसे वो बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएंगे, कैसे वो बच्चा यहाँ पे आए और क्या क्या यहाँ पे सुविधा मिलेगा उस बच्चे को, उनसे हम थोड़ा बात करते हैं। तो सर अपना नाम बताइए। माई सेल्फ मेरा नाम रितेश कुमार हुआ और मैं SSC CGL सेलेक्टेड स्टूडेंट रह चुका हूँ। 6 ईयर 7 ईयर्स का मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में CAG ऑफ इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने सोचा कि सो एजुकेशन फील्ड में भी कुछ किया जा सकता है। मतलब इससे पहले आप जॉब कर रहे थे? हाँ, जॉब कर रहे थे। अब लक्ष्यभेदी मेरे, मैं इसी लोकेलिटी से, मेरा अपना मकान भी यहीं पे हुआ और मैं इस इंस्टीट्यूट को बहुत काफ़ी पहले से जानता हूँ, तो मैंने इसी में ही अपना नया इनिशिएटिव करना शुरू करने का, एक बेसिक रूप से शुरू करने का चेष्टा किया। सर आपके पास एक्सपीरियंस इससे पहले पढ़ाए हैं? हाँ, एज ए गेस्ट मैंने इधर उधर टेस्ट सीरीज डिस्कशन के लिए या एडिटोरियल डिस्कशन के लिए इस तरह से मैं पटना में कुछ इंस्टीट्यूट में, जैसे सफलता एक्सप्रेस है आपका, ये मुसल्लापुर हाट में है, एक नया टोला में है इन्फिनिटी क्लासेज बैंकिंग पीओ के लिए, ये सब का इंस्टीट्यूट, तो उन सब जगहों पे। तो सर इससे पहले कहीं कहीं पढ़ाए हैं, इंट्रोडक्शन दिए हैं, कहीं कहीं बताए हैं जा करके, तो सर का इच्छा हुआ कि हम खुद का कोचिंग चलाएं, खुद का अपना इंग्लिश का कोचिंग खोलें। तो सर ये बताइए कि क्यों यहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए आया, क्या आप किस तरह से उस बच्चे को पढ़ाइएगा, किस तरह से गाइड करिए? सबसे पहली जो चीज़ है कि सो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है, लेकिन आप इस एरिया को पार्टिकुलरली लीजिए कि सो संदलपुर कुम्हरार का जो एरिया है, लोकलिटी है, यहाँ के बच्चों को थोड़ी दूरी पे जाना पड़ता है, अगर जो ऑफलाइन के क्लासेज में इंटरेस्टेड रहते हैं उन बच्चों को। अभी तो एजुकेशन फील्ड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है कोविड के बाद कम्प्लीटली सब कुछ आपको ऑनलाइन, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के पास, एवरी थिंग इज अवेलेबल देयर फॉर स्टूडेंट्स, और वो सब कुछ जानते हैं, दे आर अपडेटेड, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मटेरियल और रिसोर्सेज और क्या कहते हैं सारा सिलेबस का सब कुछ जो भंडार है इतना पड़ा है कि उसमें भी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब उनके पास क्या है कि सही गाइडलाइंस होनी चाहिए और उसे जगह से गाइडलाइंस लेनी चाहिए जिनको ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को टेकल किया जाए, किस तरह से एक्यूरेसी लेवल मेंटेन किया जाए, किस तरह से मतलब सिलेबस को टाइमली, टाइम बाउंड, और प्लस क्या है कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न बार बार चेंजेज आ रहा है उससे अपडेटेड होना चाहिए हमारा कंटेंट, सिलेबस सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए, मेथड भी उस तरह से रहना चाहिए, और स्टूडेंट को जैसा चाहिए, जिस वे में चाहिए, चाहे वो फाउंडेशन के लिए आएँ या एडवांस रूप से आएँ या टेस्ट सीरीज के लिए आएँ, जिस तरह से आएँ, हम लोग उस तरह के लिए अपना प्रिपरेशन आगे कर रहे हैं। और अप्रैल महीना से, मतलब आप 10 दिन के बाद आप समझ सकते हैं कि सो यहाँ पे सब कुछ हम लोग शुरू कर दें, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सर का यही कहना है कि हम यहाँ पे पूरे उनको गाइड करेंगे, उनको किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से समय पे सिलेबस समाप्त करना है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उस सबको पूरे गाइड करके उसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस का तो भंडार है, उन पे कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। तो सर ये बताइए, आप यहाँ पे कब से, मतलब नया में फर्स्ट में ही जुड़े यहाँ पे? हाँ, इस इंस्टीट्यूट से तो मैं जस्ट जुड़ा हूँ, 15 दिन से इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था, ऑफिस हमारा न्यूली बिल्डअप है, क्लासरूम को भी मैंने एक्सटेंड किया है, करवाया है, और हो सकता है तो 2-4 महीने में इसको डिजिटल क्लासरूम में भी आगे, अगर हमारा इनिशिएटिव सब कुछ सही रहा तो आगे उसको भी हम लोग अपडेट करेंगे, और होना ही चाहिए क्योंकि तो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, स्टूडेंट को सुविधा मिलनी चाहिए। YouTube पे क्लासेज होगी, उसका लाइव रिकॉर्डिंग सब कुछ होगा, धीरे धीरे वो हम लोग अपडेट करेंगे। देख रहे हैं जिस तरह से सर बता रहे हैं कि ऑनलाइन में ज़्यादातर जा रहे हैं, उस हिसाब से सर भी ऑनलाइन में प्रयास कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड सब लाएंगे और उसको ऑनलाइन दिया जाएगा। लेकिन सर ये एक बात बताइए, जो बिहार में, जैसे बिहार का जो बच्चा है उनका बेसिक इंग्लिश में बहुत कमज़ोर रहते हैं, उसका बेसिक भी बहुत कमज़ोर रहता है, उस सब आप कैसे उसको रिकवर करिए, कैसे उनको दीजिएगा? मेरा अपना खुद का लॉज है और हम स्टूडेंट से इंटरेक्शन में रहते हैं, और मुझे मतलब मेरा ज़्यादा एज नहीं है, 34 साल एज है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ लैग करता है और क्या कर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है, SSC का जो पैटर्न चेंज हुआ है,
या पहले भी हम ये नहीं कहते हैं, बैंकिंग में भी हमारा जो स्टेट है काफ़ी पीछे है, उतना रिजल्ट अभी अपने स्टेट से होता नहीं है। हमारा क्या है कि दूसरे स्टेट से रिजल्ट अभी ज़्यादा हो रहा है, या जो लोग मुखर्जी नगर चले जाते हैं या उस तरह से अपडेटेड रहते हैं, या जिनका पहले से है फाउंडेशन ऑलरेडी डेवलप है, मान लीजिए अच्छे स्कूल से पढ़ाई किए हुए हैं, CBSE बोर्ड है उनका, उनका बेसिक है, और बिहार बोर्ड से पढ़े हुए लड़के लोग का थोड़ा सा बेसिक तो डाउन रहता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा और उस तरह से उनको उस लेवल से लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि उनका फियर है, मैं एक इंग्लिश का जुटा हुआ है कि SSC, हम जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप SSC की तैयारी क्यों नहीं करते हैं, तो बस उनका यही कहना रहता है कि इंग्लिश के कारण हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाता, यही होता है। और ये फैक्ट है कि इंग्लिश के कारण, जबकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोरिंग दे सकता है। मेरे साथ खासकर ऐसा होता है कि इंग्लिश और GK के बदौलत ही हमारा हर जगह रिजल्ट होता था, चाहे मैं बैंक में चले जाऊँ, चाहे CAT का MBA का एग्ज़ाम हो या किसी का भी एग्ज़ाम हो, ऑलमोस्ट मेरे पास 10-12 एग्जाम का एक्सपीरियंस है कि सो कहीं भी हम सारे जगह का रिजल्ट मेरा हुआ चुका हो चुका है। इनफैक्ट UPSC मेंस भी मैं 2 times लिख चुका हूँ, इनफैक्ट कुछ कारण बस आगे नहीं हो पाया। तो आप इसी फील्ड में देखते हैं कि आगे क्या, जिस तरह से देख रहे हैं कि जो सर यहाँ पे हैं वो आपको लग रहा है कि कहीं पढ़ के कोई तैयारी करके छोड़ दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सर पहले निकाले हुए हैं SSC CGL निकाले सर, CGL सर निकाले हुए हैं, उसके बाद सर उसमें रुचि नहीं होने के कारण सर को लगा कि हम कोचिंग खोले और कोचिंग में अच्छे से टाइम दें, तो सर अपना कोचिंग में टाइम देने आए। वो एक्सपीरियंस आदमी हैं, वो निकाले, उनको पता है किस तरह से सिलेबस को ख़त्म किया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, तो सर से पढ़ना बेटर रहेगा। और सर जिस तरह से बताए जो हम 0 से लेकर के पढ़ाएंगे, तो सर से और देखते हैं। इनफैक्ट मेरा जो रिजल्ट जहाँ भी होता था तो इंग्लिश के कारण ही होता था, क्वांट में हम हमेशा पीछे हो जाते थे। एक्चुअली होता था क्या कि क्वांट में पहले का जो सिलेबस था या जो भी अभी भी जो सिलेबस है, मतलब एक तो एक्यूरेसी भी नहीं रहता था मेरा क्वांट में, और थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग भी मेरा ज़्यादा जाता था। फिर भी फाइनल रिजल्ट मेरा इंग्लिश के चलते ही बनता था, 189, 188, 192, 3-4 का एक्सपीरियंस है SSC देने का, तो उसी के चलते मेरा ओवरऑल रैंकिंग ठीक ठाक आ जाता था। तो ये बताइए सर कि मतलब जो विद्यार्थी आएंगे तो उनको स्पेशल आप किस चीज़ के लिए पढ़ाते हैं? यहाँ पे इंग्लिश का भी मैंने स्टार्ट किया है, और 2 सर हमारे हैं जो GK GS के लिए स्टार्ट किए हैं। और बेसिकली पहले स्टार्ट हम लोग मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा एग्ज़ाम, पार्टिकुलरली जब हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और बिहार में भी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है, तो वैकेंसी अभी बहुत ज़्यादा है, लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बस उनको कैच करने की ज़रूरत है। कोविड के बाद एक थोड़ा सा ये जो मतलब क्या कहते हैं, नल एनवॉइड हो गया था, सब कुछ सुनता पड़ गया था, फिर से एकाएक सारे लोगों को बहुत सारा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे, इंग्लिश और GK का दोनों का एक कंबाइंड मॉक टेस्ट रहेगा जो SSC बेस्ड पैटर्न रहेगा। दूसरी चीज़ है कि आप अगर दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, या बिहार CGL का अपना जो सचिवालय का सचिवालय सहायक जिसको आप लोग बोलते हैं उसकी तैयारी करते हैं, उस बेस पे मतलब स्टेट लेवल के बेस्ट पे जो एग्ज़ाम होता है उसका भी हम लोग मॉक टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे और स्पेशल कौन कौन सी का तैयारी करवाते हैं? स्पेशल हम लोग तो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश तो हमारा एज ए फुल्ली आप जैसे SSC CGL, हाँ SSC CGL का 4 months का ड्यूरेशन का कोर्स है, जिसे फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक आपको ले आ जाएगा। एक तो वो कोर्स हुआ, दूसरी हुआ इंग्लिश एंड GK कम्बाइंड SSC का जो पैटर्न है 25-25 क्वेश्चन पूछने का, चाहे आप MTS में अगर आप नया पैटर्न लीजिएगा तो इंग्लिश और GK पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अगर आप CGL पे आते हैं, LDC पे आते हैं, जिसको CHSL आप कहते हैं, तो उसमें भी आपका जो वेटेज है, स्कोर जो है, सेक्शनल वेटेज जो है, वो इंग्लिश और GK का ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप CGL कर लेते हैं तो आज 45 क्वेश्चन CGL में पूछे जाएंगे जो 135 नंबर के होंगे, और क्या है अगर इंग्लिश का लेंगे तो 35 क्वेश्चन है, अगर रीजनिंग का लेंगे तो 35 क्वेश्चन है, इस तरह से है। तो ओवरऑल आप देखिए तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये बस 2-3 महीने पहले का इनिशिएटिव है जो सारा सिलेबस को चेंज करके, और उसमें बिहार के स्टूडेंट के लिए और भी ज़्यादा हार्डशिप आ गई है, हार्डशिप इन सेंस उनके लिए डिफिकल्टी ज़्यादा आ गई है, तो उनको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि मैथ और रीजनिंग के बदौलत हम लोग स्कोर कर लेते थे, अभी जस्ट CGL 15-20 दिन पहले CGL मेंस का एग्ज़ाम फिनिश हुआ है, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न मैथ और रीजनिंग काफ़ी ईजी कर दिया गया है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इतनी ईजी है, अगर हम भी जाके उस एग्ज़ाम को देने जाएँ तो 30 में से 25 क्वेश्चन बना के आएंगे, ये जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अगर अभी जाएंगे तो 30 से 25 क्वेश्चन ऐसे कोई भी बना लेगा, आप भी थोड़ा दिन पहले तो बना लेंगे।
इंग्लिश में क्या हुआ है कि कंप्रिहेंशन हो, PQRS वाली जो सीरीजिंग होती है, जो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आता है, उन सब पे ही फाइनल मेरिट बनने जा रहा है। और एक एक नंबर का मारी है, ठीक है, एक नंबर पे ही आपको इंटरव्यू पोस्ट है, एक ही नंबर पे नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, तो उसी समय टाइपिंग करनी है, 15 मिनट का ब्रेक है, उसी समय टाइपिंग करनी है। तो सब कुछ का खेला क्या हो गया है, अब कंप्यूटर एक सेक्शनल हो गया है जिसमें कंप्यूटर पे आपको पास करना है। तो हम लोग तो इनफेक्ट, मैं खुद BTech कोच यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पास आउट हूँ, तो कंप्यूटर में भी मैं गाइड कर सकता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश में हमारे कोर्स में इनरोल करता है और सर के लिए रिक्वेस्ट करता है कि सर कुछ कंप्यूटर में भी फाउंडेशन बना बता दें, ताकि हम लोग, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, तो एक हम लोग उस तरह से भी उसमें भी गाइड कर सकते हैं। तो अभी हम यही कहेंगे कि सो अगर SSC की तैयारी करनी है, यानी है पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे आएँ और शिवशक्ति चौक पे संदलपुर और कुमरार एरिया मुसल्लापुर के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूट यहाँ खुला है जो इस तीन फुल पैकेज लेके आया है, तो वो ये इंस्टीट्यूट है लक्ष्यवेदी कम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो इसको एक बार ग्रेप करें, यहाँ डेमो क्लास करने आएँ, एक बार देखें समझें। अगर आपको लगता है कहीं भी पढ़े हुए हों, हम कहते हैं किसी भी टीचर से पढ़े हुए हैं, एम के मिश्रा सर हों, यहाँ के जो भी बड़े बड़े टीचर हैं जो हमसे काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, कहीं भी कहीं से भी पढ़े हुए हैं, एक बार यहाँ पे आएँ। अगर आपको लगता है कि कुछ कारणवश कुछ नंबर के चलते हम कहीं से लैग कर रहे हैं, कहीं से हमारा कुछ नंबर के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो एक बार हमको मौका दीजिए, ठीक है, हम देखते हैं और उसको हम आगे मेहनत करने का कोशिश करेंगे। चूँकि हमारा पहला इनिशिएटिव है, तो जब भी कोई आप नया काम करते हैं तो उसमें जो एक जीत और मेहनत करके करते हैं, तो इससे आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, तो एक बार आप आके और इस लोकल